हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ सबग्रेड। सबग्रेड होती है इमेक्टिन के ऊपर बेड तैयार किया, तो उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सपोज करते हैं कि ये हमारा पहले हम डिस्कस करें फ्लैक्सिबल पेमेंट को लेकर के। जो मेरा फ्लैक्सिबल पेमेंट का जो क्रस्ट होता है, फ्लैक्सिबल पेमेंट का ये बॉटम में हमारा इम्बैकमेंट हमने तैयार किया, उसके बाद से हमने सबमिट किया, फिर उसके ऊपर से हमने GSB डाला या फिर DL। दो लेयर में GSB कर सकते हैं, ग्रेड वन ग्रेड टू, जैसी आपकी DPR में मेंशन हो। तो DL, GSB दो लेयर, फिर WMM, फिर BM और फिर BC, या फिर कहीं हो सकता है DBM और BC, दोनों हो सकता है अगर मेरा फ्लैक्सिबल पेमेंट हो तो। लेकिन अगर हमारा रिजिड पेमेंट हो तो हमने पहले इम्बैकमेंट किया, फिर सबग्रेड, फिर GSB, फिर DLC और इसके बाद से PQC किया। अगर PQC के ऊपर अगर आपका मेंशन हो BC, तो आप BC कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं मेंशन हो तो फिर ये हमारा फाइनल लेयर PQC हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी जो सबग्रेड है उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट है तो मैक्सिमम साइज़ जो मटेरियल की होती है सबग्रेड में, जो हमने क्वाइल फिल करना है उसकी साइज मैक्सिमम साइज़ वो 50 mm, इतने 50 mm ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर बोल्डर नहीं होने, उसको अगर हो तो फिर उसको निकालना होगा, या फिर जो रूट्स होते हैं वो सब साफ करके फिर फ्रेश सॉइल को डंप करना होगा। ओके, लेयर वाइज पर थर्ड लेयर अगर वाइब्रेटरी रोलर हो तो हम 250 mm का थिकनेस ले सकते हैं, और अगर स्टैटिक रोलर तो 200 mm का। ओके, सेकेंड जो लेयर, सेकेंड पॉइंट है हमारा थिकनेस जो लेयर की होनी चाहिए वो 500 mm होनी चाहिए, दो लेयर में 250 का। फिर उसके बाद से MDD कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 17.5 किलोमीटर पर MT, अगर हम इसे ग्राम पर सीसी में के तो 1.785 ग्राम पर सीसी में। ओके, FSI हमारी होनी चाहिए, फ्री सॉइल इंडेक्स कितनी होनी चाहिए वो 50% मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके बाद से हमारा LL लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक, लिक्विड लिमिट 50% एंड प्लास्टिक लिमिट 25%। ओके, फिर OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वो प्लस माइनस 1 और -2% ऑफ OMC होनी चाहिए। कॉम्पैक्शन हमारा 97% कॉम्पैक्शन होनी चाहिए। जब हमने सबग्रेड का बेड तैयार कर दिया उसके बाद से जो उसकी कॉम्पैक्शन होगी, कॉम्पैक्शन चेक करेंगे, कॉम्पैक्शन 97% अचीव करना चाहिए तो समझिएगा आपका बेड रेडी है, उसके ऊपर से आप GSB के लिए ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी जो स्पेसिफिकेशन हुई DL की, सॉरी सबग्रेड की, वो ये स्पेसिफिकेशन है। हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हमारा जो डिटेल दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है ड्रेनेज लेयर दिया 100 mm, GSB दिया हुआ है 115 mm, WMM 225 mm, BM 50 mm एंड BC 30 mm। टोटल हमारी थिकनेस, क्रस्ट थिकनेस कितनी है 520 mm। PQC सिमिलरली, PQC हमारा 1 किलोमीटर का PQC है, तो उसमें DL 150 mm, ड्रेनेज लेयर फिर DLC 150 mm और फिर PQC है हमारा। ओके फ्रेंड, सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।